हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है मई के मंथ के एक्स के हाल के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी वर्गोस कि आपके एक्स जो है वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप जानना चाहेंगे, एंड क्या ये आपके बारे में सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने मैसेजेस इस रीडिंग में हमें मिलते हैं। मैसेजेस फॉर वर्गोस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को शुरू में ये लगा था कि वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से बाहर आ गए हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन से दूर आ गए जो कि इनके लिए बहुत टॉक्सिक हो गई थी। अब ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो था एक्चुअली में आपके लिए टॉक्सिक, लेकिन इन्हें लग रहा था कि आप उनके लिए टॉक्सिक हैं। ये आपको कॉन्स्टेंटली ब्लेम कर रहा था, आपको ये कह रहा था कि आप ही जो कुछ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने ही इस रिलेशनशिप को इतना टॉक्सिक बना दिया है कि वो सफोकेट हो रहे हैं और अब वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। घुमा फिरा के बातें एंड आपसे ही कॉम्प्रोमाइजेस की उम्मीद है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अब आपका इंतजार कर रहा है। बहुत ऑड लगेगा सुनने में आपको, शायद आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि पता नहीं ये मैं क्या बोल रही हूं, पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सारे चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इनके लाइफ में जो इतना बदल गई हैं कि इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं। आई मीन कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई ना कोई लेसन जरूर सीखने को मिला है, एंड ये पर्सन अब ये उम्मीद कर रहा है कि या तो आप उनका इंतजार कर रहे हो आज तक, या फिर आप उनको अप्रोच कर ले। यानी ये पर्सन चाहता है कि आप सिंगल हो। ओके, इस पॉइंट पे अगर आप सिंगल होंगे तो शायद वो एक चांस ले सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं आप तक आने की। और दूसरी तरफ से इनके मन में ये भी है कि शायद उन्हें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप उन तक आते हैं कि नहीं। तो इस पर्सन की इच्छा ये है कि आप वेट कर रहे हो, सिंगल हो और अप्रोच भी आप ही कर लें ये सब कुछ होने के बाद। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का जो जॉय था वो तो ओवर हो चुका है। जो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आपके रहने से उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है या उनकी लाइफ टॉक्सिक हो गई है, वो अब दूर हो चुकी है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपके रहने से ही उनकी लाइफ परफेक्ट थी। इनफैक्ट सेवन ऑफ कप्स का इल्यूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी तक इनके दिमाग में ये आइडिया था कि इन्हें आपसे कोई बेहतर मिल जाएगा, इन्हें शायद किसी और को मौका देना चाहिए या कुछ और अपने लिए बेहतर खोजना चाहिए, किसी और पर्सन को एक फ्रेंड के तौर पे ये देख रहे थे जो कि इनका पोटेंशियल लवर हो सकता था। हो सकता है इनके आसपास कोई ऐसा रहा हो उस समय जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ जो इन्हें ये उम्मीद दे रहा था कि वो इस रिलेशनशिप में परफेक्ट है। आई मीन उनके मैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की बात कर रही हूँ, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा था कि इस थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशनशिप परफेक्ट होगा। उन्हें ये उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा चलेगा, पर अब लग रहा है कि ये जो सो कॉल्ड फ्रेंड है आपके पर्सन को फ्रेंड जोन करके कहीं चला गया है। एंड आपके पर्सन को अब ये समझ में आ रहा है ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके सारे भ्रम अचानक से टूट गए बहुत बेरहमी से और ये कुछ भी नहीं कर पाए। जो चीजें इन्हें परफेक्ट लग रही थी वो दरअसल एक इल्यूजन निकली। जो चीजें इन्हें कंप्लीट लग रही थी वो दरअसल पूरी तरह से इनकम्प्लीट थी। तो सेवन ऑफ कप्स के साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आप देख नहीं सकते पर एग्जिस्ट करता है। इस पर्सन के अंदर रिग्रेट है, इस पर्सन के अंदर ये डर है कि पता नहीं आगे अब और क्या होगा। एक भ्रम तो इस पर्सन का बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो कोई हीरो नहीं है या कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिसपे हर कोई फिदा रहेगा या
कहने का मतलब है कि कोई भी इनसे अट्रैक्ट होगा. इन्हें अब तक ये गलत फहमी थी कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और लोगों को बहुत इम्प्रेस करते हैं. हर किसी के लिए ये एक हीरो का रोल प्ले करते हैं, यानी किसी सिचुएशन से सेव करना, बाहर निकालना. और बहुत अपने आप को आज तक शायद ग्रेट पर्सनैलिटी समझ रहे थे, पर आपके जाने के बाद उन्हें यह समझ में आ गया है कि ये आप थे, आपका प्यार था जो उन्हें इस तरीके से फील करवाता था. आपके बिना ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दरअसल ये एक सपने में जी रहे थे, एक ऐसा सपना जो आपने इन्हें दिखाया था, और उस सपने में रहते रहते थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे. अब सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन रियालिटी से लड़ना चाहता है, क्योंकि रियालिटी वैसी नहीं निकली जैसा ये सोच रहे थे. ये पर्सन चाहता है उन सब लोगों के मुंह बंद करना जो उन्हें जज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये जज हो रहे हैं. हर कोई इन्हें बता रहा है कि ये काम ठीक से नहीं करते, वो काम ठीक से नहीं करते, या परफेक्ट नहीं है, या इनके अंदर ये कमी है या वो कमी है. ये पर्सन सुनते सुनते तंग आ गया है. पहले कभी इन्हें ऐसा फील नहीं हुआ आपकी प्रेजेंस में. टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सारा कन्फ्यूजन है यहाँ पे. कन्फ्यूजन का मतलब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें आगे. ओके, आज कुछ और करने का मन करता है, कल कुछ और करने का मन करता है, और इस पर्सन का जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ता ही जा रहा है. इस पर्सन का जो डायलेमा है वो खत्म ही नहीं हो रहा. तो यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा इस पॉइंट पे. तो बहुत सारे पेंटिकल्स और वॉन्ड्स हैं, कोई अर्थ साइन या फायर साइन हो सकता है. हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है एंड ऑफकोर्स सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक देखना चाहें तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द एम्परर, थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स. तो टेन ऑफ सोर्ड्स यहां पे आ गया है, तो अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं. टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन मूव ऑन कर ही नहीं पाया. जहां पे आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, ये पर्सन अभी भी वहीं खड़ा है. ओके, कोशिश जरूर की थी इन्होंने सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ. शुरू में इनको लगा था कि सारी चीजें परफेक्ट होंगी, पर अब इनको समझ में आ रहा है कि ये तो वहीं के वहीं खड़े हैं. इनफैक्ट सिचुएशन वर्स हो गई है. ये पर्सन काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि इन्हें अपनी गलतियों का भी कुछ एहसास हो है. क्योंकि एट ऑफ कप्स के साथ इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपने इन्हें कितना कुछ दिया था. आप जो कुछ भी कर सकते थे, आप जो कुछ भी दे सकते थे, आपने वो सब कुछ किया अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, पर ये पर्सन उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाया. एट ऑफ कप्स आपने दिए, इन्होंने हमेशा आपसे टेन ऑफ कप्स चाहा. टेम्परेंस के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस आसान नहीं है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कुछ वक्त जरूर लेगा. द एम्परर को अभी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो इस बात की उम्मीद कम है कि मई के महीने में ये पर्सन आपको कोई ऐसा साइन दे कि वो अभी भी आपको मिस करते हैं. पर ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा, द एम्परर चेंज जरूर होगा. अभी इनके लिए ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर थ्री ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूं कि इन्हें समझाने वाले लोग भी बहुत सारे हैं. इनके फैमिली मेंबर्स, इनके फ्रेंड्स इन्हें ये बता रहे हैं कि इन्हें समझना चाहिए कि सिचुएशन किस हिसाब से अनफोल्ड हो रही है. या उनकी गलती है तो उन्हें सॉरी बोलने में या अपोलोजाइज करने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. ये इनके कुछ गुड फ्रेंड्स इन्हें डेफिनेटली बता रहे हैं. तो यहां पे आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है. थ्री ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन एंजॉय कर रहा है उन लोगों की कंपनी जो कि इनके क्लोज हैं और इनके वेल विशर हैं, और इनके वेल विशर इन्हें वही चीज बता रहे हैं जो इनके लिए अच्छी है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन इन लोगों से खुल के अपने मन की बात कह पा रहा है, तो इसीलिए इन्हें रिस्पॉन्स भी वैसे ही मिल रहा है, गाइडेंस भी वैसे ही मिल रही है. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू. ये कार्ड आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे और भूल नहीं पा रहे. वो चीज आपके लिए क्या मायने रखती है ये सोचने की जरूरत है इस पॉइंट पे. हालांकि ये कार्ड सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं ये महसूस कर सकती हूं कि ये एनर्जीज इस पर्सन की भी है.
ये पर्सन भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा, इस रिलेशनशिप से अभी भी चिपका हुआ है, एंड इनके लिए भी आसान नहीं है कि ये पुरानी बातों को भूल जाएं। तो अपने आप को फोर्स मत कीजिए किसी चीज के लिए, मूव ऑन करने के लिए या जल्दी से जल्दी किसी पर्सन को भूल जाने के लिए। नेचुरल प्रोसेस है, इसे नेचुरली होने दीजिए एंड देखिए कि आगे कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। ओके तो ये है रीडिंग मई के मंथ में आपके एक्स के फीलिंग के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।